अगर मेरी तरफ से अगर रिश्ता जाना चाहते हैं, ऐसे दुनिया बोल रही है तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीतना चाहे रहना, तो लोगों का काम ही है कहना। जहां तक मेरे रिश्ते की बात है तो मैं उनको हमेशा बॉस बोलती हूँ, सर बोलती हूँ, मैं कभी पवन जी नहीं बोलती, मैं उनको बॉस बोलती हूँ, बॉस मानती हूँ, वो मेरे गुरु हैं। और आपने जो मुद्दा बताया ना, दुनिया ट्रोल कर रही है, क्योंकि हम कलाकार है ना यार, कलाकार में भी लड़की है, लड़का लड़का को आई लव यू बोलता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लड़का लड़की अगर किसी लड़के को आई लव यू बोलती है तो जरूरी थोड़ी है कि हर किसी से, हाँ मुझे उनसे प्यार है और ये जो प्यार है ये मेरे गुरु वाला प्यार है, नॉट, उसको अलग वे में नहीं लीजिए आप लोग। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार के बातों में कहीं भूल न जाए रहना। ये शब्द आपको अनुपमा यादव ने कहे हैं। आपको बताते चलें कि अनुपमा यादव ने अपने हाल ही के इंटरव्यू में बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। आपको सबसे पहले बताते चलें कि अनुपमा यादव और पवन सिंह को लेकर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा खबरें बन रही हैं। खबरों में ये कहा जा रहा है कि अनुपमा यादव और पावर स्टार पवन सिंह के बीच कुछ चल रहा है। लोगों का इल्जाम है कि पवन सिंह ज्योति सिंह को तलाक देने के बाद अनुपमा यादव संग शादी करने वाले हैं। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि अनुपमा यादव और पवन सिंह का अफेयर भी चल रहा है। हो ना हो इसी वजह से अनुपमा यादव के रिश्ते में भी दरार आई, जो कि शिव कुमार बिक्कू के साथ उनका रिश्ता था, जिसके चलते उनका रिश्ता भी खत्म हो गया है। शिव कुमार बिक्कू ने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया है। अब इन तमाम खबरों के बीच अनुपमा यादव ने बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले अनुपमा यादव ने ये बताया है कि लोग कुछ भी कहें, उससे कुछ भी साबित नहीं हो सकता। कोई मुझे या पवन जी को लेकर जो भी बोल रहा है, इससे हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुपमा यादव ने कहा है कि पवन जी मेरे गुरु हैं और मैं उनके शिष्य, बस हम दोनों का यही रिश्ता है, इसके अलावा हम दोनों के बीच और कोई रिश्ता नहीं है। अगर लोगों को लगता है तो लगने दीजिए, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही लोगों के सोच को, उनकी मानसिकता को बदल सकते हैं। आपको बता दें कि अनुपमा यादव और पवन सिंह के रिश्ते के खबरों को तब हवा लगी जब अनुपमा यादव ने पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन के मौके पर उनको आई लव यू बॉस बोल दिया था। लोगों का कहना ये था कि पहले पवन जी को भैया बोलने वाली लड़की अब बॉस बोलने लगी और अब बॉस के बाद पवन जी बोलने लगी, तो हो ना हो ये बदलते रिश्तों की ही दास्तां है, जिस वजह से भैया से बॉस और बॉस से जी पे अनुपमा यादव आ गई हैं। तो लोग इस तरह से बवाल मचा रहे हैं अनुपमा यादव और पवन सिंह के रिश्ते में। अब अनुपमा यादव ने सभी को साफ साफ बता दिया है कि आखिरकार उनके और पावर स्टार के बीच क्या रिश्ता है। अनुपमा यादव ने कहा है कि मैं जन्मदिन पर आई लव यू बॉस इसलिए बोली थी क्योंकि मैं वाकई में पवन जी से बहुत प्यार करती हूँ और मेरा प्यार कोई अफेयर या गंदा रिश्ता वाला प्यार नहीं है, मेरा प्यार गुरु शिष्य वाला प्यार है। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, उन्हें अपना आदर्श मानती हूँ, वो मेरे भगवान हैं, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए उन्हें सबके सामने आई लव यू बोला। अगर मेरे मन में गंदगी होती तो मैं बंद कमरे में आई लव यू बोलती, लोगों को सुना के आई लव यू नहीं बोलती। तो ये लोगों की मानसिकता है, घटिया सोच है, जो वो इस तरह का सोच रहे हैं कि मेरे और पवन जी के बीच कुछ ऐसा वैसा रिश्ता है। लेकिन सच्चाई यही है कि मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, हम दोनों का रिश्ता केवल गुरु शिष्य वाला है, एक दोस्त की तरह है। मैं उनको दोस्त बोल सकती हूँ, गुरु बोल सकती हूँ, भगवान बोल सकती हूँ, चाहे जो बोल सकती हूँ, मेरी मर्जी है, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है, ये मैं लोगों को साफ साफ बता देना चाहती हूँ। तो अनुपमा यादव ने अपने और पवन सिंह के रिश्ते पर साफ साफ बता दिया है कि आखिरकार उनका और पवन का क्या रिश्ता है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी मेंशन करिए कि आपको इस पर क्या कहना है, इस वीडियो पर, इस खबर पर आपकी राय क्या है, और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।